मुझे आज इसलिए प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट करने के लिए आया कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, हमने इलेक्शन के लड़ने के लिए तैयार हो गए, हमने खाक से फार्म भर दिया, आज 4-5 दिन हो गए हमने फार्म भर दिया, वहाँ से लाया तो होटल में बंद रखा, कैद खाने में बंद रखा, जो जो उनका अपना कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, उनका पूरा फैसिलिटी मिल रहा है, PSO भी है, उनके पास गाड़ी है, गाड़ी भी है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ये सरासर हमारे साथ एक धोखा है, गवर्नमेंट ने ये जानबूझकर किया है, हमको कैद खाने में बंद रखा, मैं तमाम जो BDC का कैंडिडेट उनको फार्म भरना, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि फार्म मत भर दो, कि ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ये मरने के लिए उनको मैं विड्रॉल भी नहीं करूँ, मैं जलाऊंगा अपना फार्म जलाऊंगा अगर मेरा कोई फैसिलिटी नहीं मिला, ये कौन सा गवर्नमेंट है, ये आज तक जो गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर हमारा बर्बाद किया है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा कर रही है, क्या फायदा है इनको इलेक्शन लड़ने का, उनका चटी है इलेक्शन लड़ने का, किसने कहा इनको इलेक्शन लड़ना है, यहाँ लड़ना है, कोई फैसिलिटी नहीं है, मैंने कल से आज तक कम से कम 50 फोन किया, DC साहब को, SSP साहब को, या जो आला हुकूम है, मैंने सबों को फोन किया है, हमारे पास खुदारा और सिक्योरिटी और अकोमोडेशन और PSO दे दो, आज तक अभी तक उन्होंने गाड़ियाँ 4-5 भेजी, 3-3 कैंडिडेटों को बताया कि एक एक गाड़ी में जाओ,